नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती आज। जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी। सुबह 10:15 बजे लोकभवन प्रांगण लखनऊ में कार्यक्रम। 647 वन रक्षकों वन्य जीव रक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। 41 अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। राज्य मंत्री अरुण कुमार व केपी मलिक होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे लोकभवन सभागार में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबरें आपको हम बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी लखनऊ पहुंचेंगे। बड़ी खबर बताते चले, लखनऊ में कार्यक्रम। 647 वन रक्षकों वन्य जीवों रक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, दोपहर 2:15 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे ग्रेनो। इंडिया एक्सपो मार्ट जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर करेंगे निरीक्षण। शाम 6 बजे से विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। मंडल के पुलिस अफसरों के साथ करेंगे मीटिंग। 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का करेंगे उद्घाटन पीएम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां मंडल के पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम योगी। शाम 6 बजे से विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर करेंगे निरीक्षण। दोपहर 2:15 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे ग्रेनो। इंडिया एक्सपो मार्ट जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर करेंगे सीएम योगी निरीक्षण। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे राहुल। अमेरिका दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में आज रहेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से राहुल गांधी करेंगे बातचीत। कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। वहीं बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पिंजरे में कैद हुआ 5वां नरभक्षी भेड़िया। बड़ी खबर है बहराइच से बताते चले, जहां वन विभाग ने पकड़ा खूंखार भेड़िया। 8 मासूम एक महिला समेत 9 को बनाया निवाला। हरिबक्सपुरवा में पकड़ा गया नरभक्षी भेड़िया। ये बड़ी खबर हम आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां पकड़ा गया 5वां खूंखार भेड़िया। पिंजरे में कैद हुआ 5वां खूंखार भेड़िया। वन विभाग ने नरभक्षी भेड़िए को पकड़ा। तस्वीरों में देखा जा सकता है नरभक्षी भेड़िया पिंजरे में कैद है। वन विभाग को मिली कामयाबी, पकड़ा गया 5वां नरभक्षी भेड़िया। वही मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है, मथुरा में संगी हॉस्पिटल सीएमओ को जान का खतरा। हॉस्पिटल के प्रबंधक से सीएमओ को खतरा। सीएमओ ने मांगी सुरक्षा। सीएमओ ने डीएम को लिखा पत्र। संघीय अस्पताल निरस्त किया गया रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान योजना में अनियमितता में निरस्त किया गया रजिस्ट्रेशन। राज्य स्तर से संघीय अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई। संघीय हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के फिलहाल संचालित। बड़ी खबरें आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां संघीय अस्पताल के सीएमओ को जान का खतरा। सीएमओ ने डीएम को लिखा पत्र। वही अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, अमेठी में थाना अध्यक्ष की मनमानी। सरकार और डीजीपी का आदेश नहीं मानते थाना अध्यक्ष। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए डीजीपी ने दिया था निर्देश। इन्होना थाना अध्यक्ष ने पत्रकार के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। बिना जांच गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया दर्ज। इन्होना थाना क्षेत्र की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी में थाना अध्यक्ष की मनमानी। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए डीजीपी ने दिया था निर्देश। डीजीपी के आदेशों का हुआ उल्लंघन। थानाध्यक्ष ने पत्रकार के खिलाफ बिना जांच के मामला किया दर्ज। वहीं इसी बीच बड़ी खबर महोबा से आ रही है, महोबा में पलटी वन दरोगा की बुलेरो। सड़क किनारे खड़ी महिला समेत 4 लोगों को मारी टक्कर। महिला सहित 2 की मौके पर मौत। सड़क हादसे में 6 घायल। चरखारी कोतवाली के जरौली तिराहे की घटना। तो ये बड़ी खबर आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां पलटी बंद रोगा की बुलेरो। महिला सहित 2 की मौके पर मौत।
वहीं महिला समेत चार को मारी टक्कर। अभी कुछ समय पहले ठीक है फोर व्हीलर गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया, पलट गई है, तो उसको दो लोग मृतक हो गए हैं और छह लोग घायल हैं, जिसको दो तीन लोगों को महुआ के लिए जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। अभी कुछ हादसा मोहल्ला सेकंड फाटक के पास, जो वो यहाँ से चरखारी साइड से मस्करा साइड गाड़ी जा रही थी, रेवाई जा रही थी बलेरो, तो उसमें जो जहाँ वो खरियान है उस नहर के आगे, तो वहाँ पर गायत्री प्रजापति अपनी बच्ची को शौच करा रही थी, तो वहाँ बहुत दूर था मेन रोड से शौच करा रही थी, तो गाड़ी इतनी रफ्तार में थी कि उसने चार पांच पलटी मारी, फिर उनके ऊपर गिर गई गाड़ी, तो वो ख़त्म हो गई गायत्री, और एक गाड़ी में बलेरो में जो बैठा था वो व्यक्ति ख़त्म हो गया, करीब चार पाँच छः लोग घायल हो गए। ये बड़ी खबर आपको महोबा से बता रहे थे, जहाँ पलटी बंदरोगा की बलेरो सड़क किनारे खड़ी महिला समेत चार को मारी टक्कर, महिला समेत दो की मौके पर मौत, सड़क हादसे में छह घायल, चरखारी कोतवाली के जरौली तिराहे की घटना। वहीं रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली में दबंगों को नहीं पुलिस का डर, दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जुटी जांच में। जगतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं लोग, ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का वायरल वीडियो, तो ये बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां दबंगों को नहीं पुलिस का डर, सरेराह दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वहीं रायबरेली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जहर खाने से महिला की हालत बिगड़ी है, महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टरों ने महिला को घोषित किया मृत, चिवल्हा गांव के पास का है मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यहाँ पे लगभग 9 बजे एक लड़की बुलाया गया था, श्रीमती डॉटर ऑफ सुंदरलाल, 27 साल की एज है, पूरे जानकी गांव की थी, इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया था, जैसा कि उनके घर वालों ने बताया है, ये मृत अवस्था में यहाँ बनाई गई थी, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की पुलिस को सूचित कर दिया। घटना का आधार देखकर तबीयत खराब रहती रही, कहा नहीं देखें खून नहीं खून नहीं, फिर हम पहुंचे उसके बाद में हम कहा दवाई करा रहे हैं, और वह दवाई कराओ तो आज हम चले आने थी दंगले तन, और लड़का वह रहा कामिन, और बूढ़ा मैं रही बीमार रही, तो पौढ़ी रही विकाज ने कैसे कहा, अब साहब कुछ खा ली फिर कुछ हुए तो वही का वह जाने, हम पंचन के जान में तो न कौन दवाई रही न पानी रहा घर में। ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे थे, जहां जहर खाने से महिला की हालत बिगड़ी, महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टरों ने महिला को घोषित किया मृत। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।